हेलो दोस्तों, ममता स्टिचिंग ट्यूटोरियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों देखिए, आज मैं ये जो डिजाइन का पैटर्न लेके आई हूँ, ये है छोटा सा एक जैकेट। और ये जो जैकेट है, ये 2.5 से 3 साल तक के बच्चे को बहुत आराम से आएगा, और ये आप चाहें तो 4 साल तक के बच्चे को भी आराम से पहना सकती हैं। बहुत ही इजी है बनाने में। और इस जैकेट को बनाने में मेरा लगभग जो ऊन लगा है वो 150 ग्राम बेबी वूल लगा है। तो इजी पैटर्न है, बहुत जल्दी बन जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको जरूर पसंद आएगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये है वर्धमान का 4-ply का ऊन, और ये है, ये देखिए, ब्रायलॉन शेड इस पे नहीं रहता है, इस पे कोई शेड नंबर नहीं रहता है। ये लच्छी वाला ऊन है, और ये आप अपनी मनपसंद कोई भी कलर ले सकती हैं। ये है मेरा टर्कवाइज ग्रीन का लाइट शेड। तो इसका मैंने ये 2 बॉल बना लिया है, क्योंकि दोनों फ्रंट पार्ट से मैं स्टार्ट करूंगी, फिर हम बैक आप चाहे तो साथ में बनाएं, या आप चाहे तो अलग बना के जोड़ सकती हैं। तो पहले हम फ्रंट पार्ट दोनों बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए, मैंने लिया है 9 नंबर की सलाई। ये है देखिए, 9 नंबर की पोनी की सलाई, 3.5 mm जो आती है वो सलाई है। और इसमें हम फंदे डालेंगे। तो सिंगल ऊन से मैं फंदे डालूंगी, और सलाई मैं 9 नंबर की ही रखूंगी, नीचे बॉर्डर के लिए भी और ऊपर पल्ले के लिए भी। तो अब देखिए, 40 फंदे हम डाल लेते हैं इस तरह से। ये देखिए, ऐसे हम 40 फंदे इसमें डालेंगे। फंदे बहुत टाइट नहीं रखने हैं, और नीचे ऊपर दोनों के लिए, जैसा कि मैंने बताया, मैं एक ही सलाई का यूज करूंगी। तो ये मैंने रखा है 9 नंबर की सलाई। अगर आपका हाथ लूज है तो आप 10 नंबर की सलाई पे 4-ply का ऊन बना सकती हैं, या आप अपने हाथ के हिसाब से देख लीजिएगा कि आपके हाथ से बिनाई कैसी होती है। अगर बिनाई टाइट है तो आप 9 नंबर लीजिएगा, लूज है तो 10 नंबर। ये देखिए, टोटल 40 फंदे मैंने डाल लिए हैं, यानी कि 40 stitches आप बोल सकती हैं। काउंट मैं करके दिखा देती हूँ। देखिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 और ये 2, 40। टोटल 40 फंदे हैं। और अब इसका बॉर्डर बना लेते हैं। दोनों आप फ्रंट एक साथ बना सकती हैं। तो मैंने देखिए दोनों के फंदे एक साथ डाल लिए हैं। अब देखिए, इसका बॉर्डर जो हम बनाएंगे, पहला फंदा उतार के, अब देखिए, 1, 2, फिर ऊन पीछे कर लीजिए, 2 सीधा। पहले को काउंट मत करिए, तो 2 उल्टा 2 सीधा का बॉर्डर हम बनाएंगे। इस तरीके से बॉर्डर बना लेते हैं। ये देखिए, इसी तरीके से दोनों साइड का बॉर्डर हम बिन लेंगे 10 सलाई। अब देखिए, लास्ट में आप चाहें तो तीनों उल्टा रख सकती हैं, या लास्ट यहां पे आप एक सीधा बिन सकती हैं। तो इसी तरीके से ये हमारा स्टार्ट मैंने किया है। तो मैं इसको रखूंगी यहाँ पे, जो 3 उल्टा देखिए आ रहा है रॉन्ग साइड से, राइट साइड से ये 3 सीधा है। और 10 सिलाई का बॉर्डर बनाने के बाद हम इसमें आगे बनाएंगे, और ये है मेरा बॉडी के लेफ्ट साइड का पार्ट। तो इसी तरह से दोनों का बॉर्डर पहले तैयार कर लेते हैं, फिर इसके आगे का हम स्टार्ट करेंगे पल्ला बनाना। दोनों सेम बनेगा, थोड़ा सा डिजाइन का फर्क आएगा। ये देखिए, ये मैंने 10 सिलाई का बॉर्डर बना लिया है। अगर आप काउंट करिए तो देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, और ये मेरी रॉन्ग साइड है। तो अब रॉन्ग साइड से पहले
ये सलाई हम पूरी उल्टी उल्टी बिन लेंगे। इसको पूरा उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट वाला फंदा सीधा बिनिए इस तरीके से। अब ये हमारा देखिए राइट साइड है। अब यहां से एक सिलाई सीधी तरफ से और एक सिलाई उल्टे तरफ से हम फिर से उल्टा उल्टा बिन लेंगे उस तरह से। रॉन्ग साइड से कर लिया, अब ये राइट साइड से एक सिलाई पूरा और फिर रॉन्ग साइड से एक सिलाई पूरा उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए मैंने दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बिन लिया है। राइट साइड एक धारी ये हमारे उल्टे उल्टे की आ गई है गार्टर स्टिच की। अब यहां पे हम सबसे पहले देखिए बटन होल बनाएंगे, तो बटन होल हम लास्ट में बनाएंगे। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था ये बॉडी के लेफ्ट साइड का पार्ट है, तो यहां पे देखिए नीचे बॉर्डर में मैंने कुछ नहीं बनाया। अब ये जो दूसरी लाइन हम बना रहे हैं ये देखिए राइट साइड से गार्टर स्टिच की, इसमें हम पहला बटन होल बनाएंगे। इस तरह से बिनते हुए बॉर्डर के बाद एक सिलाई हमने रॉन्ग साइड से पूरा उल्टा उल्टा बिन लिया। अब राइट साइड से आप काउंट करिए तो ये तीसरी सिलाई है। और अब देखिए ये लास्ट में पांच फंदे बचे हैं, तो अब हम बटन होल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ऊन को सिलाई पे ऐसे लपेट के एक जाली का पार्ट बना लेंगे, इस तरह से फंदा बढ़ जाएगा। और अब यहाँ पे दो फंदे एक संग हम उल्टा बिन देंगे। इसके बाद देखिए तीन फंदा बचा, इसको भी हम उल्टा बिन लेंगे। लास्ट वाला फंदा सीधा। अब ये सिलाई फिर से हम पूरा उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट करेंगे। तो पहला फंदा उतार के ये देखिए ये जाली जो हमने बनाई थी सिलाई पे फंदे लपेट के इसको, और फिर सारे फंदे इस तरीके से उल्टे उल्टे बिन लेंगे। और इसके बाद दो सिलाई हम और सीधे तरफ से और उल्टे तरफ से उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा बटन होल है। रॉन्ग साइड से ये हमारी तीसरी लाइन है और राइट साइड में अभी देखिए ये दो लाइन है। तो ये सिलाई बिनने के बाद राइट साइड से और रॉन्ग साइड से हम एक दो सिलाई उल्टा उल्टा और बना लेंगे। ये देखिए ये मैंने दो सिलाई बना लिया है। रॉन्ग साइड पे देखिए ये चार लाइनिंग है और राइट साइड पे तीन लाइनिंग। अब हम ये देखिए मैंने राइट साइड का पार्ट ये मैंने बना लिया है इतना आपको दिखाने के लिए। अब ये वाला जो डिजाइन है ये हम स्टार्ट करेंगे। ये आप बॉडी के राइट साइड रखेंगी, यहां से हमारा गला घटेगा बाद में और यहां से बाजू की घटाई होगी। बीच में यहाँ पे हम शोल्डर के फंदे रखेंगे और ये डिजाइन यहाँ पड़ी है। देखिए इधर से यहाँ पे ये पार्ट ज्यादा है। अब इसमें हम सबसे पहले यहाँ पे ये चीज बनाएंगे, फिर ये वाला डिजाइन बनाएंगे, फिर ये पार्ट बनाएंगे। तो अब इसके लिए देखिए यहां से आप काउंट करिएगा, पहला फंदा उतार लेंगे, दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस और ये ग्यारह। ग्यारह फंदे हमने उल्टे उल्टे बिन लिए, उन पीछे करेंगे। अब ये बिनेंगे सीधा वाला पोर्शन। तो अब देखिए एक दो तीन चार पांच छ सात और ये आठ, आठ फंदे सीधे। फिर बाकी देखिए एक दो तीन
चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस और ये इक्कीस। ये देखिए, इक्कीस फंदे हमने उल्टे उल्टे बिन लिए, पहले ग्यारह, फिर आठ फंदे सीधे, फिर इक्कीस फंदे उल्टे उल्टे। और इसमें पहले इक्कीस फंदे उल्टे, फिर आठ फंदे सीधे, फिर ग्यारह फंदे उल्टे। इक्कीस, आठ, ग्यारह, इसमें ग्यारह, आठ, इक्कीस, उल्टी सिलाई। हर बार हम उल्टा उल्टा बीनेंगे, इस चीज को रिपीट करेंगे हम। ये देखिए, आठ फंदे हैं, आठ सिलाई बनाएंगे। और ये देखिए, एक, दो, तीन, चार, ये धारियां आई हैं। तो आठ फंदे, आठ सिलाई, बीच में ये देखिए तीन लाइनिंग। तो इस तरीके से इसको हम बनाएंगे। एक बटन होल हमने बना लिया है, अब आगे भी हम तीन बटन होल इसमें और बनाएंगे। तो अब देखिए, उल्टी सिलाई कंप्लीट करेंगे। सीधी तरफ से 11 उल्टा, 8 सीधा, 21 उल्टा, रॉन्ग साइड से पूरा उल्टा। दो सिलाई, सॉरी, ये पहली सिलाई हमारी बनी है, अभी सात सिलाई हम इसको और बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए, एक, दो, तीन, चार, यानी कि आठ सिलाई मैंने इसको बना लिया है सीधा उल्टा बिनते हुए। उल्टे तरफ से टोटल उल्टा उल्टा, सीधी तरफ से बस ये आठ फंदा हम सीधा बिनेंगे, बाकी यहाँ का ग्यारह और यहाँ का इक्कीस, इसको हम उल्टा उल्टा बिनेंगे। और अब यहाँ से हम फिर से देखिए, फंदा, पहला फंदा उतारेंगे और लास्ट वाला फंदा हम सीधा बिनेंगे। इस तरह से अब हम सारे फंदे उल्टे उल्टे बिनेंगे राइट साइड से, और यहाँ से टोटल छह सिलाई हम उल्टा उल्टा बिनेंगे। फिर इसी प्रोसेस को, ये जो हमने अभी किया था, इसी को हम फिर से रिपीट करेंगे। अब देखिए, ये यहाँ से, ये देखिए, चार लाइनिंग हमारी ये थी, अब यहाँ से हम इसको पूरा उल्टा उल्टा बिन देंगे। ये पहली सिलाई है डिजाइन के बाद की, टोटल छह सिलाई, यानी कि राइट साइड में ये हमारी तीन लाइन आनी चाहिए। इस तरह से 40-40 फंदे हमारे हैं दोनों साइड, दोनों पल्लों में। तो ये देखिए, इधर 21 फंदा है, स्टार्टिंग में 11 फंदा है, और जो सीधा सीधा हमने बनाया है वो आठ फंदा है। तो अब ये देखिए, लास्ट फंदा सीधा, और ये लास्ट फंदा सीधा हम दोनों साइड से करेंगे। अब देखिए, ये हमारा, जैसा कि मैंने बताया, बॉडी के लेफ्ट साइड का पार्ट जिसमें हम बटन होल बना रहे हैं, यहाँ पे हमने ये दूसरी लाइन में बटन होल बनाया है। अब देखिए, दो, चार, छह हो चुका है टोटल। जब ये इस बटन होल के बाद जब ये टोटल 13 लाइन हो जाएगी, तो हम दूसरा बटन होल बनाएंगे, और टोटल चार बटन होल हम इस तरीके से बनाएंगे। ये छह सिलाई कंप्लीट होने के बाद फिर से यही डिजाइन देखिए, बीच का ये आठ फंदा सीधा, फिर ये छह सिलाई, और टोटल ये वाला जो पैटर्न है, जो सीधा सीधा हमने बीना है, छह पैटर्न हमारा ये जब कंप्लीट हो जाएगा, तो बॉडी का पार्ट जो है ये पल्ले का, वो पूरा हो जाएगा। फिर हम आगे गला और बाजू की घटाई करेंगे। तो पहले ये वाला पैटर्न छे छे दोनों साइड हम बना लेते हैं। मैं अलग अलग नहीं बना रही हूँ, दोनों पार्ट आपको लगभग साथ साथ में बताऊंगी, जिससे कि आपको दोनों पार्ट समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो पहले, सबसे पहले हम ये वाला पोर्शन, जो ये वाला है, दोनों का छे छे ये लाइन बना लेते हैं पैटर्न का। इसके बाद हम इसके आगे बाजू और गले की घटाई करेंगे। दोनों बनने के बाद ये वाला भी छे और ये वाला भी छे।
ये देखिए यहाँ पे मैंने दोनों फ्रंट पार्ट एक जैसे बना लिए हैं एक लंबाई का। जितना राइट साइड का पार्ट है उतना ही लेफ्ट साइड का पार्ट है। चार बटन होल मैंने बनाए हैं, देखिए एक दो तीन, और ये जो चौथा बटन होल मैंने बनाया, देखिए मैंने हर बटन होल जो बनाया, देखिए ये बटन होल के बाद दो चार छ आठ दस बारह और एक ये 13 के बाद ये बनाया है। लेकिन लास्ट वाला जो है ये देखिए दो चार छ आठ दस बारह और ये 13वीं लाइन में मैंने ये बटन होल बना दिया है। यहाँ पे ये मेरी इतनी लंबाई कंप्लीट हो चुकी है नीचे की। अब इसी समय हम यहाँ बाजू भी घटाएंगे प्लस गला भी घटाएंगे। दोनों कैसे करेंगे इसीलिए मैंने एक बराबर रखा है ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। मैंने अलग अलग नहीं बनाया है, कोई पल्ला अलग से तैयार करके नहीं रखा है। दोनों का डिटेल मैं आपको दे देती हूँ। अब देखिए यहाँ मैंने बटन होल लास्ट बना के उल्टी सिलाई पूरा उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट कर लिया है। और अब हम इस साइड देखिए, ये साइड जो है जिधर ये कम है ये बटन होल है, इधर हम गले का पार्ट घटाएंगे, और ये जो कम है यानी जो 11 फंदे थे यहाँ पे हम बाजू का पार्ट घटाएंगे। तो सबसे पहले बॉडी के राइट साइड का पार्ट जिसमें हमने बटन होल बनाया है वो मैं बना रही हूँ, बाजू की घटाई करेंगे। तो अब देखिए उल्टा हम बिन रहे हैं, उल्टा ही बिनेंगे, दो फंदे एक साथ लेके पहले बिनेंगे। देखिए तो ये एक दो तीन चार और ये पांच, पांच फंदे हमने घटा लिए, बाकी जैसे बिनते हैं टोटल वैसे बिन लेंगे। 40 फंदे थे, पांच फंदे हमने घटा लिए, टोटल 35 फंदे हमारे ये बचे हैं। तो ये पूरी उल्टी सिलाई मैं कंप्लीट कर लेती हूं पहले। ये देखिए इस तरीके से लास्ट वाला फंदा सीधा, ये देखिए। और अब इधर से यानी कि रॉन्ग साइड से हम गले का फंदा घटाएंगे, तो ये भी घटा लेते हैं। ये देखिए दो फंदे एक संग लेके स्टार्ट करेंगे, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और ये 15। 15 फंदे हमने घटा लिए टोटल। और अब देखिए दो चार छः आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह और ये फंदा लेके टोटल 20 फंदे हैं। तो अब इसको उल्टा उल्टा बिन लीजिए। ये देखिए तो ये हो गया हमारा, देखिए बाजू और गले की घटाई दोनों हो गई एक साथ। अब ये जो हमारे 20 फंदे बचे हैं इसको हम ऊपर जो हमारा शोल्डर के पार्ट की लंबाई तक बाजू की लंबाई तक हम इसको बनाएंगे, और ये हम बनाएंगे एक दो तीन डिजाइन ऊपर, और ये इतनी डिजाइन हम ऊपर और बनाएंगे। अब इस साइड का पार्ट जो है देखिए इसमें हम सबसे पहले गला घटाएंगे। देखिए 21 फंदे स्टार्टिंग में हैं, तो सबसे पहले हम 15 फंदे घटा लेंगे गले का पार्ट। तो देखिए एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस
ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह और ये पंद्रह। पंद्रह फंदे हमने घटा लिए, बाकी यहाँ पे देखिए ये उल्टा उल्टा बिनना है टोटल, तो जो बाकी के फंदे हैं यानी कि 25 फंदे, इसको हम पूरा इस तरह से बिन लेंगे उल्टा उल्टा। आप दोनों पार्ट अलग अलग बिन सकती हैं, आपको समझने के लिए मैंने दोनों साथ साथ बनाया है जिससे कि मुझे समझाने में आसानी हो और आपको समझने में भी। तो ये देखिए लास्ट वाला फंदा ऐसे सीधा, और अब इस साइड से हम रॉन्ग साइड से पांच फंदे घटाएंगे बाजू के। तो ये देखिए एक, दो, तीन, चार और ये पांच। पांच फंदे हमने घटा लिए, ये एक फंदा, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस और ये बीस। दोनों साइड अब बीस बीस फंदे हैं। ये हमने नेक का पोर्शन घटा लिया, ऐसे आएगा बाद में जब हम इस पे बटन लगा लेंगे, ये ऊपर आएगा काज वाला ऐसे, और ये हमने नेक घटा लिया, बाजू घटा लिया। अब हम इसकी लंबाई ऊपर बनाएंगे, जैसे हमने नीचे ये एक दो तीन चार पांच और ये छह रखे हैं टोटल, अब यहां से ऊपर हम ये तीन लाइनिंग बनाएंगे और इसके बाद फिर हम बैक पार्ट बनाएंगे। तो इतना लंबाई कंप्लीट करके हम बाजू की लंबाई जो है शोल्डर तक कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम बैक पार्ट बनाएंगे। तो ये इतना कर लेते हैं पहले। ये देखिए यहाँ पे ये दोनों बाजू की लंबाई मैंने कंप्लीट कर ली है। अब ये हमारा शोल्डर का फंदा है और ये इतना हमारा ये ओपन रहेगा, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मली। अब यहां से देखिए मैंने दोनों तरफ से ये सीधी सिलाई बिन के कंप्लीट की है, उल्टे तरफ से अभी मैंने नहीं बीना है। तो अब यहां से हम एक संग इसको जोड़ेंगे। आप चाहें तो बैक पार्ट अलग से करके साथ में शोल्डर जोड़ सकती हैं अगर आपको इजी लगे, नहीं तो आप इस तरह से भी बना सकती हैं। तो मैं क्या करूंगी, अभी जो ये है बॉडी के राइट साइड का पार्ट, इसको पहले मैं इधर से उल्टा बिन लूंगी। जो 20 फंदे हैं इसको हम बिन लेंगे, और ये वाला जिसमें बटन होल है इसको हम अभी बाद में बिनेंगे। ये 20 फंदे इस तरीके से, अभी तक हम लास्ट वाला फंदा सीधा बिन देते थे लेकिन अब इसको भी हम ऐसे उल्टा बिन लेंगे। इसको ऐसे बिन लीजिए ताकि ये हमारा एक बराबर रहे। अब देखिए ये 20 फंदे हमने उल्टे बिन लिए, अब यहाँ पे हम 20 फंदे बढ़ाएंगे। घटाया हमने 15 15 फंदा है जो कि एक दूसरे के ऊपर पांच पांच फंदे हमारे ऐसे ओवरलैप हो जाएंगे, तो 10 फंदे हमारे इसमें चले गए जो बटन पट्टी का पोर्शन है। 20 फंदे अब हम नेक का बढ़ाएंगे बैक पार्ट के लिए, यहीं से हम बैक पार्ट भी पीछे की तरफ ले जाएंगे। तो अब देखिए जो बॉडी के राइट साइड का पार्ट है जिसमें हमने बटन लगाना है, इसको मैंने उल्टा बिन लिया और अब यहाँ पे ऐसे एक एक फंदा इस तरह से बिन के इसको सिलाई पे ऐसे चढ़ा लीजिए, और इस तरह से हम टोटल 20 फंदे बढ़ा लेंगे। तो एक हो गया, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। ये 20 फंदे हमने बढ़ा लिए। अब इसको ये देखिए इस तरह से ये हो गए। अब इसको ऐसे ही रहने दीजिए। और अब हमारा जो ये वाला पार्ट है जिसमें बटन होल बना है, इस वाले धागे को हम यही रहने देंगे और इसी धागे से अब आप इधर की बिनाई कर दीजिए। अगली बार जब हम आएंगे तो यहाँ से इसको कट करके आप नॉट लगा दीजिएगा। आप चाहे अभी इसको कट कर लीजिए, नॉट लगा लीजिए और साथ में इसको फंसाती जाइए। ये देखिए यही पे मैं कट करके आपको दिखा देती हूँ। इसको हम थोड़ा दूर से ऐसे कट कर देंगे। यहाँ पे इसको नॉट लगा दीजिए। इस तरीके से हम डबल नॉट लगा लेंगे। उल्टी बिनाई आपको करनी है ये, और इसको ऐसे बिनते जाइए। साथ में इस धागे को आप इधर की तरफ फंसाते जाइए तो आपको अलग से सुई से या क्रोशिया से इसको बाद में फंसाना नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए इस तरीके से ये ऐसे इसको हम फंसा लेंगे। अगर आपको इस तरह से दिक्कत लगती है तो आप इसको बाद में सुई से कर सकती हैं। मैं इसको साथ के साथ फंसा के आपको दिखा दे रही हूँ। इजी हो जाएगा, एक बार में हमारा ये जो धागा है फंस जाएगा तो आपको बाद में दोबारा से कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो ये देखिए ऐसे ये मैंने फंसा दिया सारा। और अब यहाँ से हमारा ये बैक पार्ट बनेगा। इतना जो रॉन्ग साइड से हम बिनते तो हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो जाता। तो अब देखिए ये हमारा धागा फंस चुका है। अब यहाँ पे ये लास्ट वाला फंदा मैं इस तरीके से सीधा बिन लूंगी। दोनों तरफ से हमको उल्टा उल्टा ही बिनना है। तो अब देखिए कि हमने ये नेक के फंदे बढ़ा लिए, दोनों शोल्डर उल्टे तरफ से बिन लिया। जैसे ये तीन लाइनिंग आ रही थी, यहाँ पे भी ये तीन लाइनिंग आ चुकी है और अब यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट पूरा हो गया है। इसी के साथ अब हम बैक पार्ट बनाएंगे। दोनों तरफ से सिर्फ उल्टा उल्टा बिनना है, कुछ नहीं करना है। कितना जितना कि ये हमने ये घटाने के बाद बिना। तो ये देखिए घटाने के बाद हमारी जो ये लाइनिंग है मैं काउंट करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और 22। ये जो हमारी 22 लाइनिंग है उल्टा उल्टा बिनते हुए हम 22 लाइनिंग कंप्लीट कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ ये तीन लाइनिंग के बाद पिन लगा लीजिए या आप ये जो अब यहाँ से बीनेंगी, अब देखिए यहाँ से अब हम दोनों साइड से सिर्फ उल्टा उल्टा बीनेंगे इस तरह से। तो इस तरह से आप बिनती जाइए। तो ये देखिए बैक में अभी आपको कुछ नहीं करना है, बस ये 22 लाइनिंग यानी कि टोटल 44 सिलाई यानी कि 44 रो हम बीन लेंगे। तो 22 रो हमारा इस तरीके से आ जाएगा बैक में बाजू की लंबाई तक। आप चाहे तो एक दो लाइन एक्स्ट्रा कर सकती हैं फ्रंट पार्ट के लिए, थोड़ा गला जो है ये जो हमारा है गला अच्छे से आ जाए। अब ये देखिए जो फंदे हमने बढ़ाए थे इसको भी इस तरीके से हम उल्टा उल्टा बिन लेंगे। रॉन्ग साइड से मैंने इसलिए ये फंदे बढ़ाए थे कि ये देखिए ये जो है हमारा अच्छे से फिनिश आ जाए। ये देखिए ऐसे। और अब यहां से देखिए ये जो लाइनिंग आ रही है इसको आप काउंट करिएगा। ये टोटल 22 लाइन हमारी जब कंप्लीट हो जाएगी फिर हम ये बाजू के फंदे बढ़ाएंगे और नीचे की लंबाई कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए इसी तरह से दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बिनते हुए टोटल 22 रो हम कंप्लीट करेंगे फ्रंट साइड से। यानी कि 44 सलाइयां बिनने के बाद हमारी 22 रो यानी कि 22 लाइन आ जाएगी। अब ये देखिए ये जो फंदे बढ़ाने के बाद इधर के फंदे हैं इसको भी इस तरीके से उल्टा उल्टा हम बिन लेंगे।
टोटल 60 फंदे अभी हैं हमारी सिलाई पे, लास्ट वाला फंदा ऐसे सीधा दोनों तरफ से इसी तरह बिनते हुए लास्ट वाला फंदा हम सीधा बिन लेंगे और 22 लाइन कंप्लीट होने के बाद फिर हम बाजू के फंदे बढ़ाएंगे। तो 22 लाइन कंप्लीट करके फंदे कैसे बढ़ाना है वो मैं आपको दिखाऊंगी, तो पहले इतना कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये फंदे बढ़ाने के बाद मैंने ये टोटल 22 रो बना लिया है। यहां से अगर आप काउंट करी तो देखिए मैंने यहाँ पिन लगा दिया था, ये तीन लाइन के बाद देखिए कि तीन लाइन पे मैंने पिन लगा दिया था और यहां से देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और ये 5, टोटल 22 लाइन मैंने बना ली है। अब हम यहाँ पे 5 फंदे बढ़ाएंगे। जैसे यहाँ हमने 5 फंदे घटाए थे फ्रंट साइड में, यहाँ हम अब 5 फंदे इधर और 5 फंदे इधर दोनों तरफ करके टोटल 10 फंदे हम बढ़ा लेंगे। तो अभी तक ये हमारे 60 फंदे थे, 5 इधर और 5 इधर बढ़ाने के बाद टोटल 70 फंदे हो जाएंगे। तो अब देखिए लास्ट फंदा मैंने सीधा बिन के यहाँ पे ये सिलाई पूरी कर ली थी, तो आप यहाँ से ये एक फंदा बिनिए ऐसे और सिलाई पर चढ़ा लीजिए, 1, 2, 3, 4 और ये 5, ऐसे ये 5 फंदे हमने बढ़ा लिए। और अब यहां से ये पूरी सिलाई हम ऐसे, क्योंकि हम दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बिन रहे हैं, तो बिन के कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से 5 फंदे ये बढ़ गए और इनको हम ऐसे देखिए ये 5 फंदे बढ़े हुए और बाकी जो हमारा कंटिन्यू चल रहा है इसको बिनते हुए ये सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। फिर उधर से भी हम 5 फंदे बढ़ा लेंगे। यहाँ ये देखिए ये फ्रंट पार्ट है, यहाँ से हमने सीधा बिनना स्टार्ट किया है और यहाँ सबसे पहले मैंने फंदे बढ़ाए हैं। ये मेरा फ्रंट साइड है और ये मेरा बैक साइड है, देख लीजिए इस तरीके से ये मैंने पिन लगाया है। तो पहले मैंने यहाँ फंदे बढ़ाए हैं, अब पूरी सिलाई कंप्लीट करने के बाद फिर हम यहाँ फंदे बढ़ा लेंगे। तो ये सिलाई पहले कंप्लीट कर लेते हैं पूरा। ये देखिए यहाँ पे लास्ट वाला फंदा मैं सीधा नहीं बनाऊंगी, इसको मैं इस तरह से उल्टा बिन लूंगी ऐसे। ये देखिए ये केबल अच्छे से आ जाना चाहिए, यहाँ इसलिए मैंने सीधा नहीं बिना है क्योंकि देखिए यहाँ हमने उल्टा बिनते हुए ये कंप्लीट किया है फंदे बढ़ा के, और अब इस साइड से हम सीधा बिनते हुए फंदा बढ़ाएंगे। तो अब देखिए ये लास्ट वाला फंदा जो हमने अभी बिन के फिनिश किया है, यहाँ से आप अब सीधा बिनिए। ये देखिए इस तरह से फंदे हम चढ़ा लेंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5, लेकिन बिनेंगे इसको हम उल्टा ही इस तरीके से। अब हम लास्ट फंदा सीधा बिना करेंगे। तो ये सिलाई पूरा कंप्लीट करके हमारे 70 फंदे हो जाएंगे। 5 हमने स्टार्टिंग में बढ़ाया था, 5 हमने यहाँ बढ़ा लिया है, टोटल 10 फंदे दोनों तरफ मिला के बढ़ गए और अब हमारी सिलाई पे टोटल 70 फंदे यानी कि 70 स्टिचेस हैं। तो ये सिलाई पहले मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए रॉन्ग साइड से भी इस तरह से उल्टा उल्टा बिनते हुए अब हम लास्ट फंदा ऐसे सीधा बिन के बनाएंगे जैसे स्टार्टिंग से हमने अभी तक बनाया है। यहाँ पे हमने दोनों साइड फंदे बढ़ा लिए हैं और अब देखिए ये जो हमने 22 रो बनाए थे यहाँ तक, तो अब मैं ये जो पिन है निकाल के देखिए यहाँ लगा दूंगी ऐसे, इस साइड से ऐसे। और अब देखिए फंदा बढ़ाने के बाद ये एक लाइन आ चुकी है, अब इसको हम टोटल 44 रो करेंगे। अभी तक ऊपर का ये हमारा 22 था, नीचे हम 44 यानी कि 44 लाइन इसको बनाएंगे, फिर हमारे बॉडी के बैक पार्ट की लंबाई कंप्लीट हो जाएगी। और ये देखिए
यहाँ से यहाँ अगर आप काउंट करिएगा, ये जो हमने फंदे घटाए हैं यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 44 रो है, तो इतनी लंबाई हम कंप्लीट करेंगे तो हमारे बैक पार्ट की लंबाई जैकेट की पूरी हो जाएगी, फिर हम बॉर्डर बनाएंगे। तो ये यहाँ से अब हम टोटल 44 रो यानी कि टोटल आप मान के चलिए तो 88 सलाई हम बिनेंगे, तो हमारी ये 44 रो यानी कि 44 लाइन आ जाएगी टोटल 88 सलाई बनाने के बाद। तो अब इसी तरह से बिनते हुए अब इसमें कुछ नहीं करना है, कहीं कोई फंदा घटाना बढ़ाना नहीं है। इन 70 फंदों को, इन टोटल 70 फंदों को दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बिनते हुए हम कंप्लीट कर लेंगे बॉडी की लंबाई। ये देखिए यहाँ पे हमारे बैक पार्ट की ये लंबाई भी कंप्लीट हो गई है। यहाँ ये देखिए यहाँ से ये हमारा बॉर्डर है और ये मैंने लंबाई इसकी कंप्लीट कर ली है। पिन मैंने लगा रखा है। अब ये देखिए ये जो मैंने पहला घटाने के बाद ये जो उल्टा उल्टा बीना था इसके जस्ट पहले मैंने ये पिन लगाया है और यहाँ से मैंने काउंट करना देखिए शुरू किया था। ये जो मैंने पहला घटाया है इस लाइन से मैंने काउंट करना शुरू किया है और ये देखिए यहाँ पे लास्ट 4 यानी कि टोटल 44 रो ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा ये नीचे के बॉर्डर का पोर्शन यहाँ पे बनेगा। तो मैंने इस तरह से पिन लगा लिया था जिससे आपको काउंट करने में आसानी रहे, मैं ऐसे ही काउंट करती हूँ तो मैंने इस तरह से इसको लगा लिया था। अब हम इसका जो बॉर्डर बनाएंगे देखिए यहाँ पे भी हमने दो उल्टा दो सीधा बीना है और यहाँ पे भी हम इसका ये पहला फंदा उतार के ऊन पीछे कर लेंगे और दो सीधा फिर दो उल्टा इस तरह से बीनते हुए। और ये सिलाई भी मेरी 9 नंबर की ही है। देखिए बॉर्डर भी मैं सेम उसी सिलाई से बना रही हूँ। पूरा ये कर लेते हैं कंप्लीट इस तरह से। ये देखिए और लास्ट में हम ऐसे 3 उल्टा बिन देंगे या आप 2 उल्टा के बाद लास्ट का फंदा ऐसे सीधा बिन दीजिए। तो ये हमारी पहली सिलाई कंप्लीट हो गई है। टोटल 10 सिलाई जैसे हमने फ्रंट पार्ट में ये बनाया है 10 सिलाई का बॉर्डर, ऐसे 10 सिलाई का बॉर्डर बनाने के बाद नीचे हम सारे फंदे बंद कर देंगे। तो इतना करने के बाद सारे फंदे बंद कर लेंगे और फिर इसकी हम सिलाई करेंगे। 10 सिलाई होने के बाद नॉर्मल आप इसको बंद कर सकती हैं जैसे भी आपको इजी लगे। और इसके बाद देखिए ये हमारा मैचिंग कलर का बटन है, ये 4 बटन हम लगा लेंगे। आप चाहे तो कंट्रास्ट में भी बटन लगा सकती हैं अगर मैचिंग नहीं मिलता है तो। मेरे पास मैचिंग बटन है तो मैं इस कलर का बटन लगा लूंगी साथ के साथ और इसकी नॉर्मल सिलाई हम कर लेंगे। तो पहले मैं इसको उतार लेती हूँ, इसके बाद मैं आपको इसकी सिलाई दिखा देती हूँ कि मैं इसको कैसे सिलूंगी। ये देखिए इस तरीके से ये मैंने उतार लिया है। इस साइड मैंने ये बटन चारों लगा लिया है और एक साइड की मैंने सिलाई कर दी है। अब दूसरे साइड की सिलाई, अब ये देखिए ये राइट साइड है और जिस तरह से ये बटन होल बना है सेम उसी तरीके से ये देखिए जैसा कि मैंने कहा मैं मैचिंग बटन लगाऊंगी, मैंने लगा लिया है। और अब हम इसकी सिलाई कर लेते हैं। तो हम इसको ऐसे पलट लेंगे उल्टे साइड पे, इस तरह से इसको बराबर कर लीजिए। देखिए बिल्कुल एक बराबर है हमारा ये फ्रंट और बैक पार्ट। तो ये जो हमने फंदे उतार रखे हैं यहां से आप स्टार्ट करिए ऐसे प्लस ये देखिए एकदम पास में ये फंदे मैंने देखिए नॉर्मली बंद कर दिए हैं जैसे कि हम फंदे बंद करते हैं इस तरह से मैंने बंद कर दिया है और बटन लगा लिया है यहाँ पे। अब इस तरह से आप इसको करिए और पास में यहां से देखिए थोड़ा बड़ा रखेंगे और यहाँ पे नॉट लगा देंगे
और इसको सिलना बहुत इजी है। हमने जो पहले फंदे उतार रखे हैं किनारों के, बस इनको आप ऐसे दोनों साइड के फंदों को इस तरह से फंसाते जाइए और इसको सिलते जाइए। ये देखिए ऐसे, तो इस तरह से हम करेंगे तो ये जो नॉट का हमने यहाँ पे थोड़ा सा धागा छोड़ा है ये भी इसमें फंसता चला जाएगा। देखिए दोनों साइड का ये जो हमने फंदे उतार रखे हैं, देखिए बस इसमें से सुई निकालना है और ये अच्छे से ऐसे फंसता चला जाएगा। ये देखिए, तो इसी तरह से पूरी यहां तक हम सिलाई कर लेते हैं जो हमने ये पांच पांच फंदे एक तरफ से घटाए हैं और एक तरफ से बढ़ाए हैं। यहां से यहां तक इसकी सिलाई कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से, पहला फंदा जो मैंने उतारा दोनों साइड से, मैं दोनों फंदों को ऐसे जो है दोनों के बीच से ही सुई निकाल रही हूं इस तरीके से, और एकदम कॉर्नर पे जो हमने फंदे घटाए हैं और जो बढ़ाए हैं ऐसे, ताकि ये वाला भी पोर्शन जो है अच्छे से फिक्स हो जाए सिलाई में। तो ये देखिए इस तरह से एक बार और आप यहाँ पे डबल कर दीजिए और ये देखिए हमारी सिलाई यहाँ पे पूरी हो गई। अब इसको अच्छे से यहाँ फंसा के हम नॉट लगा देंगे इस तरह से, और इस ऊन को सुई को ऐसे नीचे की तरफ निकाल के आप थोड़ी दूरी पे ऐसे कट कर दीजिए। ये देखिए आराम से, इसको ज्यादा खींचना नहीं है, ऐसे करके और इसको हम कट कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा पूरा हो गया। सिलाई मैंने कर ली दोनों साइड से, ये देखिए, और अब ये बटन आप लगा दीजिए। इसमें एकदम नीचे बटन नहीं है, बॉर्डर के जस्ट बाद बटन है। आपको अगर नीचे से रखना है तो फिर आप ये इसकी काउंटिंग कर लीजिए। 10 सिलाई का बॉर्डर है तो आप दो दो सिलाई बीच में ऐसे रख लेंगी तो आपका ये बॉर्डर नीचे तक बिल्कुल आ जाएगा। अब देखिए ये बनके बिल्कुल तैयार है इस तरीके से, और मैं इसको नाप के आपको दिखा देती हूँ। इसकी जो लंबाई है देखिए, ये जो तीन लाइनिंग है यहां से आप इसको ऐसे देखिए, तो देखिए ये जो एक दो तीन तीसरा ये गया है यहां से, टोटल देखिए 15 इंच इसकी लेंथ है और 38-39 सेंटीमीटर आप समथिंग मान लीजिए, लेकिन ये 15 इंच की ये इसकी लेंथ है। और ये अगर हम इसकी चौड़ाई में देखें तो ये देखिए एक सिलाई से दूसरी सिलाई तक ये लगभग 13 इंच है, यानी 33 सेंटीमीटर आप इसको मान सकती हैं। तो ये देखिए ये बिल्कुल सही नाप है, ये 2 से 3 साल तक के बच्चे का नाप है, लेकिन 4 साल तक का बच्चा भी इसको बड़े आराम से पहन लेगा क्योंकि इसकी लंबाई भी है और इसकी चौड़ाई भी है। तो दोस्तों देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये डिजाइन जरूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये डिजाइन पसंद आती है तो आप इसको जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा। मिलूंगी मैं अगले वीडियो में किसी और नए डिजाइन के संग, तब तक के लिए धन्यवाद।